नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसएससी सीईटी की कट ऑफ को लेकर बड़ी अपडेट हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। एसएससी ऑफिशियल आंसर की के बाद कट ऑफ का महासर्वे, कितने नंबर वालों का आएगा दूसरे पेपर के लिए बुलावा। साथियों, एक बात और बता देते हैं, अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर वीडियो के कमेंट सेक्शन में या जो कम्युनिटी पोस्ट में हमने जो सर्वे के लिए डाला गया है पोल, तो उसमें अगर भाग नहीं लिया है तो आप कमेंट सेक्शन में साथियों कमेंट जरूर करें कि आपके ऑफिशियल आंसर की मिलान के बाद कितने नंबर बन रहे हैं। और आप अगर सही डाटा प्रोवाइड करवाओगे तभी हम सही बता सकते हैं, लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है तो उस हिसाब से हम आपको बता देते हैं कि क्या कट ऑफ रहने वाली है। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अब आपको कट ऑफ के सर्वे के ऊपर लेकर चलते हैं। तो साथियों, सबसे पहले बात करें कि जो ग्राम सचिव पटवारी और कैनल पटवारी, इसके अलावा जो भी ग्रेजुएशन के पद हैं यानी कि ग्रेजुएशन बेस के ऊपर जो भर्तियां होनी हैं, उन भर्तियों के लिए एक एग्ज़ाम होगा। प्लस टू बेस की भर्तियों के लिए एक एग्ज़ाम होगा। तो साथियों, ये और जो टेक्निकल पोस्टें हैं प्लस टू बेस पर, उनका अलग एग्ज़ाम लिया जाएगा। यानी कि ग्रेजुएशन बेस के जो पद हैं उनमें अगर कट ऑफ की बात करें तो साथियों, वैसे तो जब एग्ज़ाम हुआ था तब काफ़ी साथी 80 प्लस नंबर बता रहे थे। यानी कि जब हम एग्ज़ाम देकर निकलते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसे रहता है कि लगभग 80 प्लस क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, लेकिन फिर जब घर आकर मिलाते हैं तो उसमें 5-7 क्वेश्चन डाउन आते हैं, और जब ऑफिशियल आंसर की आती है तो फिर उससे भी 5-4 नंबर कट ऑफ है, वो कम आने के चांस रहते हैं। तो वही एसएससी सीईटी में भी हुआ है। तो साथियों, जर्नल की कट ऑफ की बात कर रहे हैं तो जर्नल की कट ऑफ 65 प्लस में 2.5 या 5 नंबर जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के दिए गए हैं वो नंबर, यानी कि 67 से लेकर 70 तक कट ऑफ रहने के चांस है। साथियों, कौन सी जर्नल कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, और जर्नल कैटेगरी बीसी, बी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ लगभग सेम रहती है। हो सकता है बीसीबी की कट ऑफ है वो काफ़ी भर्तियों में है ऊपर भी चली जाती है, यानी कि लास्ट में तो साथियों आपको पता है कि वो कैंडिडेट जर्नल में काउंट हो जाएंगे, लेकिन अब इसमें देखना होगा ये किस हिसाब से लगाते हैं। लेकिन अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में 67 से लेकर 70 तक आप कट ऑफ मान सकते हैं ग्रेजुएशन के पदों के ऊपर। उसके अलावा साथियों, पुलिस भर्ती में कट ऑफ है वो कम जाने के चांस है, उसका भी सर्वे हम बताएंगे कि कौन कौन कैंडिडेट हैं जो 12th पास हैं और उनके इतने नंबर बन रहे हैं। तो साथियों, आप एक बार अपनी क्वालिफिकेशन और कमेंट सेक्शन में अपने सीईटी में जो नंबर बन रहे हैं वो कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो एक और लेकर आएंगे जिसमें और अधिक कैंडिडेटों का सर्वे होगा। ये जो हम बता रहे हैं ये लगभग 5000 कैंडिडेटों के सर्वे के हिसाब से आपको बताया जा रहा है। साथियों, अब अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन हमारे पास भेज रहे हैं तो उसकी तो हम कह नहीं सकते, लेकिन आपके बताए अनुसार ये सर्वे लिया गया है लगभग 5000 कैंडिडेटों के बेस के ऊपर, ये परसेंटेज निकाल कर, और आपको बताया जा रहा है कि लगभग 67 से 70% तक वाले कैंडिडेटों का जो ग्रेजुएशन बेस भर्तियां हैं उनमें बुलाने के चांस हैं। तो आप देख लीजिएगा, और आप अपने नंबर भी अगर अभी तक सर्वे में किसी में भाग नहीं लिया है तो कमेंट सेक्शन में अपने नंबर जरूर जारी करें। साथियों, नेक्स्ट वीडियो हम पुलिस भर्ती का और जो अन्य टेक्निकल पोस्ट हैं उनकी भी आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस टेक्निकल पोस्ट के लिए कितनी कट ऑफ रह सकती है। और अगर आप अपनी पोस्ट भी यानी कि जो टेक्निकल पोस्ट भी अगर आप साथ में अपने नंबर के साथ अगर कमेंट कर दो तो वो और भी अच्छा रहेगा नेक्स्ट सर्वे के वीडियो में आपको बताने के लिए। तो साथियों, ऐसे ही और अपडेट पाने के लिए आप चैनल के साथ बने रहें। अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।